नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बडेरा प्रोडक्ट के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक वॉशिंग मशीन के बारे में आपको बताने वाले हैं, किस प्रकार से ये वर्क करती है और क्या इसका सिस्टम रहता है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इस वॉशिंग मशीन में इंटेक्स की वॉशिंग मशीन है, ज़्यादा महंगी वाली नहीं है, सस्ती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें तो इसका जो लोड कैपेसिटी है 6.2 kg, इसमें इतने किलो तक के कपड़े आप रख सकते हो, ठीक है। स्पिन इनलेट का ये वाल्व है, यहाँ से आपको स्पिन करने के लिए नल की तरह पानी इसमें डाल सकते हैं, ये स्पिनर है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन। स्पिन टाइमर है ये, और ये है आपका सेलेक्ट करना है हैवी कपड़े या नॉर्मल कंडीशन है, या फिर आपको तीसरा है ट्रेन, मतलब जो पानी अगर निकालना है तो इसके लिए ट्रेन पे करेंगे। नॉर्मली इसको नॉर्मल पे हम रखते हैं, ठीक है। ये वॉश टाइमर है। वॉश टाइमर से क्या होता है, जैसे हम इसको टाइमर सेट करते हैं, जैसे 3 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, इस प्रकार से। तो जैसे यहाँ से जैसे 6 मिनट पे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 6 मिनट तक मशीन चलेगी, और जैसे 6 मिनट होते हैं ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये एक पाइप दे रखा है वॉश इनलेट, जो अब जो कपड़े वॉश करते हो तो उसमें पानी डालने के लिए ये है। इसको आप इस निपल को अपने नल में लगा के जोड़ सकते हो। अगर इसको मैं ढक्कन को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑन कर रखी है इसको, ये कपड़े इस प्रकार से डाले हुए रख लीजिए, वर्क करती है, ठीक है। सब वगैरह इसमें डाल सकते हैं, और जितने कपड़े हैं वो मतलब फिल हो जाए, डूब जाए पानी में, इतना पानी आपको डालना है। बाकी तो बेसिक सिंपल रहता है। बाकी ये जो मशीन है थोड़ी सी हल्की है, आप एक अच्छी कंपनी की हायर की या सैमसंग वगैरह में इस प्रकार की मशीन आप बाई कर सकते हैं, ये एंट्री लेवल की है, कहने का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर दें, ये है एयर ड्रायर या स्पिनर। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कपड़े धोए, अगर उसको सुखाना है तो इसमें डाल देते हैं, तो ये इससे कपड़े सुखाने का, और इसको ऐसे इस प्रकार से ढक्कन लगा के और इसको घुमा देते हैं, इससे क्या होता है कि ये यहाँ पर आपका चलने लग जाता है। ढक्कन खोलते ही ये ऑफ हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये चलने लग गया है, आवाज़ आ रही होगी आपको, ये इस प्रकार से इसका एयर ड्रायर चल रहा है, ठीक है। अभी कितने मिनट के लिए आपको चलाना है, इस प्रकार से इसको भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी, ठीक है। अब जैसे ये कपड़े धुल चुके हैं, यहाँ पर कपड़ा धुल चुके हैं, इस पानी को अगर निकालता है तो यहाँ से आप नॉर्मल पे ये जो बटन हो रहा है इसको ड्रेन पे करेंगे। तो मैं इसको ड्रेन पर सेलेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट की। जैसे आप ड्रेन पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये पानी निकल जाएगा आपको इस प्रकार से। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो इस प्रकार से ये मैंने स्पिन कर दिए कपड़े। अब इसको इनको आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से हुए, साफ़ हुए या नहीं हुए। इसमें मशीन जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें एकदम क्लीन कपड़े तो नहीं होते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि इसमें केवल घूमते ही ये कपड़े स्पीड से और बाकी कुछ नहीं होता। मतलब कि जो हल्का फुल्का मेल होता है डेली, अगर आप कपड़े धोते हैं 1-2 दिन की रेंज में, तो उनके लिए अच्छी है। अगर कोई दाग वगैरह लगा हुआ है तो इस मशीन से निकालना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हाथ आपको लगाना पड़ेगा, एक बार हाथ से आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वॉशिंग मशीन का छोटा सा वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों पे शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इस प्रकार के टेक्निकल और बिजनेस रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।